नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट्स के तौर पर बनाने की तैयारी हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दर्शकों से चला आ रहा मिथक तोड़कर दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वजह से भाजपा शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की बजाय देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला है। इस कार्यक्रम में के जरिए पार्टी जनता के बीच आमजन की सरकार का संदेश देने की कोशिश कर रही है। खुद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने वर्चुअल माध्यम से बैठक लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए वर्चुअल माध्यम से दिशा निर्देश दिए थे। उसी के अनुरूप भाजपा मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं समेत खुद प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आने वाले 21 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।